टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर 6 फॉर्मेटिंग योर डॉक्यूमेंट ऑफ क्लास 4th. ठीक है, चैप्टर 6 में हम क्या पढ़ेंगे? फॉर्मेटिंग योर डॉक्यूमेंट्स, अपने डॉक्यूमेंट को कैसे हम फॉर्मेट करें. ठीक है, तो इसमें आपका फर्स्ट है आपका फॉर्मेटिंग टेक्स्ट. सबसे पहले आपको क्या फॉर्मेट करना है? फॉर्मेट टेक्स्ट. फॉर्मेट टेक्स्ट में क्या है? फॉर्मेटिंग टेक्स्ट इज मच फास्टर एंड सिंपलर इन वर्ड 2010. ऑप्शंस टू फॉर्मेट द फॉन्ट, पैराग्राफ एंड स्टाइल्स. टेक्स्ट को टेक्स्ट को फॉर्मेट करने के लिए टेक्स्ट हो या कोई पैराग्राफ हो या हमारा पूरा डॉक्यूमेंट हो, उसको हम कैसे फॉर्मेट करेंगे, इसका हमारा क्या होता है? होम टैब जो होता है, होम टैब में हमारे ये सारे जो फॉर्मेटिंग टूल्स होते हैं वो सारे हमारे पहले से ही होते हैं. तो इसमें क्या करते हैं, जैसे आपका पहला है टू फॉर्मेट द फॉन्ट स्लैग द टेक्स्ट टू बी फॉर्मेटेड. जो आपको टेक्स्ट है या जो भी आपको पैराग्राफ है या जो भी आपको डॉक्यूमेंट है वो आपको अगर फॉर्मेट करना है तो सबसे पहले हम उसे क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे. सिलेक्ट करने के बाद हमारी क्या होती है, लैंग्वेज आती है, फॉन्ट साइज आता है, फॉन्ट कलर आता है. तो हम अपने अकॉर्डिंग जैसा हमें सुटेबल हो या जो हम अपने डॉक्यूमेंट में फॉन्ट का स्टाइल रखना चाहते हैं या उसका साइज रखना चाहते हैं या उसका कलर रखना चाहते हैं, ठीक है, हम क्या क्या कर सकते हैं, फॉन्ट स्टाइल. सेकेंड हमारा क्या हो जाता है, फॉन्ट साइज. एंड थर्ड हमारा हो जाता है फॉन्ट कलर. ठीक है, तो ये हम अपने अकॉर्डिंग हम पहले उस टेक्स्ट को या पैराग्राफ को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम उसमें अपने अकॉर्डिंग स्टाइल, साइज और कलर उसमें अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, इसके स्टेप्स आपकी बुक में दे रखे हैं और ये सारे हमारे किसमें होते हैं, जो हमारे होम टैब होते हैं, होम टैब में ये हमारे जो ऑप्शंस होते हैं वो हमारे फ्रंट पर ही अप्लाई होते हैं. ठीक है, इसके बाद आपका क्या है, फॉर्मेटिंग के बाद आपका अलाइनमेंट. ठीक है, अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट. अलाइनमेंट हमें पता है हमारे नॉर्मल कितने टाइप्स के होते हैं, सेंटर, लेफ्ट, राइट एंड जस्टिफाई. ठीक है, हम अपने अकॉर्डिंग जिस भी अलाइनमेंट में अपना डॉक्यूमेंट रखना चाहते हैं हम उसने अपने अलाइनमेंट हमारे 4 टाइप्स के होते हैं, सेंटर, लेफ्ट, राइट एंड जस्टिफाई. तो हम अपने डॉक्यूमेंट को जिस तरीके से भी सेट करना चाहते हैं हम उनको इन 4 अलाइनमेंट के थ्रू सेट कर सकते हैं. लेफ्ट अलाइन, सेंटर की हमारी शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल प्लस ई, लेफ्ट की कंट्रोल प्लस एल, कंट्रोल प्लस आर एंड जस्टिफाई की शॉर्टकट की. ठीक है, तो ये हम शॉर्टकट की भी यूज कर सकते हैं. जस्टिफाई में हमारा सबसे पहले सेंटर, सेंटर में हमारा होता है जब हम सेंटर को क्लिक करते हैं तब हमारा जो डॉक्यूमेंट होता है वो हमारा बिल्कुल मिड से लिखना स्टार्ट होता है. ठीक है, जैसे मान लीजिए ये आपका पेज है, हमने जब सेंटर किया है तो आपका जब आप सेंटर में लिखोगे तो सेंटर से हमारा स्टार्ट होगा और वो हमारा राइट टू लेफ्ट लिखता चला जाएगा. लेफ्ट में क्या होगा हमारा, हम जब लेफ्ट सेलेक्ट करेंगे अलाइनमेंट तो हमारा डॉक्यूमेंट लेफ्ट से स्टार्ट होगा और राइट पर जाएगा. ठीक है, ये हमारा लेफ्ट टू राइट जाता है, सॉरी राइट टू लेफ्ट जाता है. लेफ्ट जब हम करेंगे तो ये राइट की तरफ जाएगा डॉक्यूमेंट हमारा. अगर हम अपना अलाइनमेंट राइट सेलेक्ट करते हैं तब वो हमारा राइट टू
लेफ्ट जाता है, ठीक है। ये आपका क्या हो गया सेंटर में, ये आपका क्या हो गया लेफ्ट, दिस पोर्शन इज राइट। एंड जस्टिफाई में क्या होता है, जस्टिफाई में हमारा लेफ्ट और राइट दोनों का अलाइनमेंट क्या होता है, बिल्कुल बराबर सेट होता है, वो हमारा बिल्कुल बीच में सेट होता है, ठीक है। जितना स्पेस लेफ्ट साइड से हम कंप्यूटर छोड़ेगा उतना ही राइट से, ठीक है, बिल्कुल बराबर का स्पेस रहता है, ना ही छोटा ना ही बड़ा, तो वो हमारा क्या होता है जस्टिफाई। जस्टिफाई का मतलब क्या हो गया, जस्टिफाई करना, राइट और लेफ्ट में बराबर का स्पेस छोड़ना, ठीक है, ये वर्क है हमारा जस्टिफाई का। तो ये भी हमारा क्या होता है, ये भी हमारा किसमें ऑप्शन होता है, होम टैब में, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या हो जाता है, सिलेक्टिंग, नेक्स्ट आपको क्या है सिलेक्टिंग द, ठीक है, सिलेक्टिंग द हाइलाइट्स कलर में क्या होता है, जैसे हम जब नॉर्मली कोई भी वर्क करते हैं तो हमें कोई लेटर होता है या कोई भी स्पेलिंग होती है तो उसको हाईलाइट करने की जरूरत पड़ जाती है, या कोई सेंटेंस होता है उसको हाईलाइट करने की जरूरत पड़ जाती है, ठीक है। तो उसको हम एक स्पेशल कलर से भी लिख सकते हैं, सेट कर सकते हैं फॉर्मेट करके, कैसे, यू कैन हाईलाइट द टेक्स्ट बाय अप्लाइंग अ कलर शेड्स बिहाइंड द टेक्स्ट बाय यूजिंग द टेक्स्ट हाईलाइट कलर, ठीक है। टेक्स्ट हाईलाइट कलर को यूज करने के बाद हम अपने जो लाइन है या हमारा पर्टिकुलर वर्ड है उसको हम हाईलाइट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आपकी बुक में दे रखा है कंप्यूटर, कंप्यूटर को इन्होंने क्या किया, हाईलाइट कर दिया, ठीक है। इसी तरीके से हम, इन्होंने कंप्यूटर को ब्लैक किया है, हमारे हम अपने अकॉर्डिंग उसमें कई सारे कलर्स आते हैं तो हम उनके कलर के अकॉर्डिंग अपने उसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हमें ये दा है, दा को अगर हाईलाइट करना है तो हम इसको जाके टेक्स्ट हाईलाइट कलर में जाके इसको हाईलाइट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट आपके फॉर्मेटिंग में क्या जाते हैं, बुलेट्स एंड नंबरिंग, बुलेट्स एंड नंबरिंग क्या हो जाते हैं हमारे, बुलेट्स क्या होते हैं हमारे इस टाइप के, जैसे हम लोग कोई भी टॉपिक्स लिखते हैं या हेडिंग्स या कैसे भी हम अपनी कंडीशन करते हैं, तो बुलेट्स अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसको हम बुलेट्स में, बुलेट्स हमारे कई टाइप्स के होते हैं, नंबरिंग हमारी इस टाइप से भी होती है, रोमन नंबर में भी होती है, अल्फाबेटिकल भी होती है, तो हम अपने अकॉर्डिंग है यूजर अपने अकॉर्डिंग बुलेट्स को और नंबर्स को अपने डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट करने के लिए यूज कर सकता है। You can add bullets and numbering to your text to set it in the point-wise manner, ठीक है? Point-wise अपने document को set करने के लिए हम bullet और numbering का use करते हैं। When you turn the bullets and numbering feature on, every new line begins with a bullet or a number each time you press enter. जैसे ही आप अपनी एक line खत्म करोगे, जैसे full stop करोगे और जैसे enter करोगे तो ये बुलेट्स है या नंबरिंग है हमने जो भी सेट कर रखी है वो ऑटोमेटिक प्रेस हो जाएंगी। टू ऐड बुलेट एंड नंबरिंग, जैसे कि पैराग्राफ में है, ठीक है, तो हम अपने डॉक्यूमेंट्स को पॉइंट वाइज लिखने के लिए किसका यूज करते हैं, बुलेट्स एंड नंबरिंग का। इसके बाद आपका क्या होता है, मैंने जैसे आप लोगों को इसको बताया कि ये बुलेट्स में भी होते हैं, बुलेट्स में भी कई सारे स्टाइल्स होते हैं, स्टार भी बने होते हैं, एरो भी बने होते हैं, नंबर्स में इस टाइप के भी नंबर्स होते हैं, रोमन में भी लिखा होता है, ठीक है, अल्फाबेटिकल भी होते हैं, स्मॉल लेटर्स, कैपिटल लेटर, मतलब एज यू विश, जैसे आपका यूजर चाहता है उस टाइप से इनको यूज कर सकता है। नेक्स्ट है इसमें इंसर्टिंग पिक्चर्स, ठीक है, एमएस वर्ड के डॉक्यूमेंट में, डॉक्यूमेंट आप पिक्चर भी इंसर्ट करवा सकते हो,
picture in a Word document, select the insert tab from the ribbon. जो आपका ribbon tab ribbon होता है उसमें आपका क्या होता है, एक insert tab होता है. insert tab को आप select कर सकते हो. उसके बाद आपका जैसे आपके book में figure number 6.13 बना हुआ है, इस type से आपका picture का option आता है. go to the illustration group and click on the picture tool. picture tool पे जाके आप उसको click कर सकते हो. उसके बाद आपके पास जितने आपके कंप्यूटर्स में पिक्चर्स हैं वो आप सारी आपके सामने आ जाएंगी. उसके बाद आपको जो पिक्चर अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करानी है उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए और इंसर्ट कर लीजिए, उसको ओके कर लीजिए. इसके बाद क्लिप आर्ट भी होता है, ठीक है. क्लिप आर्ट में इंसर्ट पिक्चर में क्या होता है, हम अपने अकॉर्डिंग जो भी पिक्चर्स हमने सिस्टम में अलग से भी डाल रखे हैं वो भी हम पिक्चर इंसर्ट करा सकते हैं. बट क्लिप आर्ट्स में क्या होता है, क्लिप आर्ट हमारी जो वाई डिफॉल्ट कंप्यूटर में सेट होती है वही सारी हमारी केवल क्लिप आर्ट हम उसमें अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करा सकते हैं, ठीक है. अब क्या है, इसमें एडिटिंग द पिक्चर्स, हम अलग से भी पिक्चर इसमें ऐड कर सकते हैं. एडिटिंग द पिक्चर्स, when you insert a picture in word 2010 the picture tool format tab is added to the ribbon. picture tool jo format hota hai wo aapka ribbon mein insert hota hai, theek hai. iske baad c8 olive when the picture is selected, jo picture aap select karoge uske baad aap usme editing kar sakte ho jis bhi tarike se hame usme add karna hai, brightness badhani hai ya kam karni hai, darkness ke liye hai, theek hai, uski जो शेप है उसको कलर कर सकते हैं, रीकलर भी कर सकते हैं हम उसमें. आपके बुक में देखिए डिफरेंट ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट का ऑप्शन है, शार्प एंड एंड सॉफ्ट एंड का है, रीकलर का है, क्रॉप का है, ठीक है. तो ये सारे जो ऑप्शंस हैं हम अपने पिक्चर को एडिट करने के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है. इसके बाद आपकी क्या है, सम मोर फंक्शंस है, और भी इसमें फंक्शंस है, सम मोर फाइल फंक्शंस. नेक्स्ट स्टेप है क्लोजिंग आवर डॉक्यूमेंट फाइल. जो ऑप्शंस होता है उसमें हमारे कौन कौन से होते हैं, सेव ये तो हम जानते ही हैं. क्लोजिंग आवर डॉक्यूमेंट हम अपने जो डॉक्यूमेंट है उस क्लोज भी कर सकते हैं. कैसे, टू क्लोज आवर डॉक्यूमेंट यू कैन सिंपली क्लिक ऑन द क्रॉस इन द राइट हैंड कॉर्नर. जो आपका विंडो होती है उसमें राइट हैंड साइड में क्रॉस का बटन आता है क्रॉस का, तो हम उसको सिंपली यूज करके अपने डॉक्यूमेंट को क्लोज कर सकते हैं, ठीक है. सेविंग डॉक्यूमेंट, हम लोग को पता है कि फाइल जो टैब होता है उसमें हम अपने डॉक्यूमेंट को सेव भी कर सकते हैं, इसको इजिली हम ओपन भी कर सकते हैं. जब हमने कोई भी फाइल सेव कर इन फ्यूचर अपनी फाइल को ओपन करना चाहते हैं तो हम उसको ओपन कर सकते हैं. लेकिन अगर हमारे उसमें थोड़ी सी ही फाइल है तो हम उनको देख सकते हैं. अगर हम जो भी फाइल अपनी सेव कर रहे हैं तो उसका नाम हमें याद रहना बहुत जरूरी है, ठीक है. उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, प्रिंटिंग अ डॉक्यूमेंट. अब हमने जो भी फाइल बनाई है उसका हम प्रिंट आउट भी ले सकते हैं. ये सारे ऑप्शन हमारे किसके हैं, फाइल मेन्यूज के हैं. फाइल मेन्यू में जब हम अपना प्रिंट आउट करते हैं तो पेज भी हमें सेट करना पड़ता है, ठीक है. हम अपने अकॉर्डिंग या फिर यूजर अपने अकॉर्डिंग पेज सेटअप कर सकता है. फिर क्या है, क्रॉप कैप. ड्रॉप कैप में क्या है, समटाइम्स वी नीड टू इम्प्रूव द लुक ऑफ द टेक्स्ट इन आवर डॉक्यूमेंट. कभी कभी क्या होता है, हम अपना जो डॉक्यूमेंट का हमारा लुक है हम उसको चेंज करना चाहते हैं. जैसे माया वॉन्ट्स टू मेक द फर्स्ट लेटर ऑफ एवरी पैराग्राफ इन हर एसे लार्जर देन द रेस्ट. जैसे कि मतलब इसमें क्या होता है, जैसे हमने कोई भी लेटर लिखा है, ठीक है, जैसे हमने ये लिखा है W. अब हम अपना फर्स्ट लेटर वो इतना बड़ा लिखना चाहते हैं कि इसके अंडर हमारी दो तीन लाइंस आ जाएं. ये चीज क्या होती है, हमारी ड्रॉप कैप, ठीक है. वॉट शुड शी डू, तब वो क्या करे, तब वो क्या करेगी, ड्रॉप कैप का यूज करेगी, ठीक है. ड्रॉप कैप से क्या हो जाता है, हमारा जो फर्स्ट लेटर है
वो इतना बड़ा हो जाता है कि उसमें ही हमारी जितने यूजर जाता है उतनी लाइंस उसी लेटर के अंदर सारी लिख जाए। जैसा आपकी बुक में एग्जांपल दे रखा है फिगर 6.23 में, इन्होंने क्या किया है, ड्रॉप कैप कैप्शन यूज किया है, तो उन्होंने आई लिखा है, तो आई के अंदर इन्होंने थ्री लाइंस उसी के अंदर लिख दिए है। तो ये हमारा किसका वर्क होता है, ड्रॉप कैप का। और इसके अंदर वर्ड डॉक्यूमेंट में, ठीक है, ड्रॉप कैप के बाद अब आपके लेट्स रिकॉल में क्या दे रखा है, यू कैन अलाइन टेक्स्ट टुवर्ड्स द लेफ्ट राइट सेंटर एंड हैव इट जस्टिफाई। ठीक है, अलाइनमेंट्स के अंदर हमने क्या पढ़ा, अलाइनमेंट्स में हमारा क्या है, लेफ्ट राइट सेंटर एंड जस्टिफाई, ये हमारे फोर टाइप्स के अलाइनमेंट्स होते हैं, ये हमने इस चैप्टर में पढ़ा। सेकंड पॉइंट, यू कैन सेलेक्ट द फॉन्ट कलर एंड हाईलाइट फ्रॉम द फॉन्ट ग्रुप। ठीक है, अगर आपको कोई भी वर्ड है उसको अगर हाईलाइट करना है तब हम किसका यूज करेंगे, फॉन्ट ग्रुप का। फॉन्ट ग्रुप में हमारा फॉन्ट का जो भी हमें साइज है, ठीक है, फॉन्ट साइज है,